गाइज वेलकम टू स्टेडी इन रीफ सो इस वीडियो के अंदर हम गुड्स टर्म के बारे में पढ़ेंगे अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो कि सेक्शन टू सबसेक्शन सेवन में डिफाइंड है गुड्स का मतलब होता है हर एक काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी लेकिन इसके अंदर एक्शनेबल क्लेम्स और मनी इंक्लूड नहीं होती बल्कि गुड्स के अंदर हम स्टॉक्स को शेयर्स को ग्रोइंग क्रॉप्स को ग्रास को और ऐसी चीजों को जो कि किसी भी पार्ट ऑफ़ द लैंड से अटैच होती है या फिर किसी भी लैंड का वो पार्ट फॉर्म करती हैं ये सारी जो चीज़ें होंगी वो गुड्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाउ हो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ गुड्स तो फर्स्ट हमारे पास टाइप है एग्जिस्टिंग गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि फिजिकली प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इनका जो लीगल पोजिशन होता है एंड जो ऑनरशिप होती है वो सेलर के पास ही होती है ठीक है अब एग्जिस्टिंग गुड्स को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा गया है जैसे कि जैसे कि स्पेसिफ़िक गुड्स ये गुड्स सेक्शन टू सबसेक्शन फोर्टीन में डिफाइंड है अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि स्पेशली आइडेंटिफाई करे गए होते हैं एंड इन पे एग्री करा होता है कि इनको हमें ट्रांसफ़र करना है एट द टाइम ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस ए जो है उसे अपने एच पी लैपटॉप को सेल करना है किसी पर्टिकुलर मॉडल नंबर का एंड उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करता है जो बी होता है वो एग्री करता है कि वो ए का लैपटॉप जो है उसे परचेज करेगा अब यहाँ पे जो दोनों पार्टीज़ हैं दैट इज़ जो ए है जो बी है दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत आती हैं एंड यहाँ पर एक स्पेसिफिक गुड की डील होने जा रही है एंड वो जो गुड है वो है लैपटॉप तो इस केस के अंतर्गत हमने पर्टिकुलरली डिफाइन कराया है कि हमारा जो लैपटॉप है वो गुड है एंड इसको हमने स्पेसिफाइड करा है तो ये एक एग्जाम्पल हो गया स्पेसिफिक गुड का नाउ हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ गुड्स है फ्यूचर गुड्स फ्यूचर गुड्स को सेक्शन टू सबसेक्शन सिक्स में डिफाइन करा गया है अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है यानी कि अभी हमारे पास नहीं है अभी सेलर के पास ये एक गुड्स एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि जो सेलर होता है वो इन गुड्स को मैन्यूफैक्चर करता है प्रोड्यूस करता है या फिर एक्वायर करते हैं से कॉन्ट्रैक्ट की एंटर होने के बाद यानी कि जब सेलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है उसके बाद वो इन गुड्स को मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस या फिर एक्वायर करता है ठीक है तो इन गुड्स को हम फ्यूचर गुड्स कहते हैं चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस अमित जो है वो एक मैन्युफैक्चरर है जो कि चेयर्स बनाता है ठीक है शाम ने अमित को ऑर्डर करा कि आप टू हंड्रेड यूनिट्स की चेयर्स बना देंगे शाम के लिए ठीक है अब शाम ने जो था उसे बताया कि उसे कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन की चेयर्स चाहिए एंड उसने उसके लिए एक एग्रीमेंट कर लिया अमित के साथ अब यहाँ पे जो है वो अमित के पास ऑलरेडी चेयर्स तो इतनी उपलब्ध नहीं है अमित जो है वो इन चेयर्स को मैन्युफैक्चर करेगा तो यहाँ पे क्या है अभी उन गुड्स की एग्जिस्टेंस नहीं है अमित के पास लेकिन वो उसे मैन्युफैक्चर करने वाला है एंड शाम एंड अमित के बीच में ऑलरेडी एग्रीमेंट बन चुका है रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट तो ये जो गुड्स होगा वो फ्यूचर की कैटेगरी में आएगा नाउ नेक्स्ट टेप ऑफ गुड इज कंटेंजेंट गुड्स इस गुड्स को सेक्शन सिक्स सब सेक्शन टू में डिफाइन करा गया है अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये जो गुड है बेसिकली इसकी जो सेल होती है वो कुछ सर्टन गुड्स की ही होती हैं एंड ये डिपेंड करता है अपॉन द हेपनिंग और नॉन हापनिंग ऑफ सर्टन इवेंट्स यानी कि कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स के होने या फिर ना होने से इस गुड्स की सेल को जो होता है वो डिपेंड करता है अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं जो ए है वो एग्री करता है बी को कुछ सर्टन गुड्स सेल करने के लिए आटा पे पर्टिकुलर डेट अब जो बी है उसे अगर गुड्स रिसीव हो जाते हैं उस डेट पर जिस डेट पर ए ने एग्री करा था कि वो इस डेट तक गुड्स को पहुंचा देगा अगर हो जाते हैं रिसीव तो क्या होगा ये कंटिजेंट गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा बिकॉज क्यों बिकॉज जो इनके बीच में कॉन्टेक्ट हुआ है वो कंटेंजेंसीज को लेकर हुआ है एग्रीमेंट के बेस पर हुआ है अगर बी को गुड्स मिल जाते हैं तो ये जो गुड्स हैं वो कंटेंजेंट गुड्स की कैटेगरी में आएंगे